दिल्ली सरकार को नियम ना मानने और उल्टा आरोप लगाने की आदत हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने तो लगता है कि संवैधानिक नियमों को ना मानने की ठान ली है, तभी तो हर मामले में बिना संवैधानिक सलाह के काम करते रहते हैं और बाद में जब संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति में सोशल साइट्स पर भड़ास निकालते रहते हैं। फिर से केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा मंजूरी के लिए भेजे गए 14 बिलों को वापस कर दिया है। बिल वापस भेजने के पीछे तर्क दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने इन बिलों को भेजने के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। संविधान की माने तो दिल्ली सरकार को ये बिल उपराज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजने चाहिए थे। दिल्ली सरकार के वापस भेजे गए बिलों में जन लोकपाल बिल भी शामिल है। केंद्र ने जन लोकपाल बिल सहित दिल्ली सरकार के 14 बिल बैरंग लौटाए हैं। इन बिलों को लौटाने के बाद केजरीवाल केंद्र पर फिर बिफर पड़े हैं और एक के बाद एक केजरीवाल ने कई ट्वीट कर दिए। गृह मंत्रालय ने प्रक्रिया का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए विधेयक वापस किया है। ये सारे बिल 2 महीने पहले ही केंद्र ने LG को वापस भेज दिए थे और अभी भी ये सभी बिल LG के पास लंबित हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि वो बिलों को लेकर केंद्र की आपत्तियों को पढ़ेगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष RN गोयल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और उनसे मांग की कि इन बिलों को पास कर दिया जाए, लेकिन जो संवैधानिक ना हो वो पास कैसे होगा। मतलब ये है कि जो बिल आम आदमी पार्टी ने पास कराए वो कानून नहीं बन पाए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।